The NEET PG entrance examination, which was scheduled to take place today, has been postponed amidst allegations concerning the integrity of several competitive examinations in the country. Meanwhile, the NEET UG retest for 1,563 candidates will be held today from 2 p.m. in six cities. The National Testing Agency and Union Ministry officials will be present at the examination centres. Ahead of the retest, the probe has been handed over to the CBI. The NTA chief, Subodh Kumar, meanwhile, has been replaced amidst the paper leak row. My colleague Aditya has filed a ground report from Jantar Mantar where students are protesting over this controversy. नीट 2024 में एनटीए के ऊपर धांधली का आरोप लगा, जिसके बाद पूरे देश में एक बवाल सा शुरू हो गया। उसके बाद एनटीए ने कुछ फैसले लिए, उसके बावजूद भी कुछ छात्र हैं जो अभी भी धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके अपनी कुछ मांगों को लेकर के, जिसमें उनके कुछ खास मांगे हैं कि 24 लाख परिवार को न्याय दो, नीट 2024 जो है वो दोबारा करवाने की मांग है, पेपर लीक जो हुआ है उसको लेकर फांसी के कानून बनाने की जो बात है वो तक कही गई है। उसके बाद बच्चे हैं मौजूद हैं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राहुल गांधी से मिल के आए थे। हम इनसे जानते हैं कि क्या राहुल गांधी से बात हुई और किन बातों पे चर्चा हुई और क्या मांग है। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है सर। क्या राहुल गांधी से पहले बात हुई, उस बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो हम जब गए थे तो हमने जितने भी रेगुलरिटीज हुई हैं एनटीए की तरफ से और जितने हमारे साथ में ये नाइंसाफी हुई है, इस चीज़ के बारे में हमने उन्हें बताया। उन्होंने पूछा हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हमने कहा सर हमारी सिर्फ इतनी हेल्प कर दीजिए कि जो ये चीज़ें हैं इससे हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था ये जो जितनी भी बातें हैं इन चीज़ों को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, जैसे संसद सत्र स्टार्ट होता है उस चीज़ में हम बोलेंगे इस चीज़ के ऊपर, और हम स्टूडेंट्स के हित के लिए खड़े हैं, उनका सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? हर्ष दुबे। तो आप भी गए थे राहुल गांधी से मिलने? नहीं गया। तो अभी आज किस बात के लिए दोबारा, क्योंकि कुछ कार्यवाही हो चुकी है, एनटीए के जो चीफ है उनको हटा दिया गया। कार्यवाहियां इतनी लेट हो रही है कि जो चोर लोग हैं वो लोग अपने सारे क्लू सारे सबूत तो मिटा ही दे रहे हैं। आप इतनी लेट कार्रवाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको तो अगर तुरंत ही पता चल गया था सेकेंड डे की पेपर लीक हुआ है तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आप एक्शन इतनी लेट क्यों ले रहे हैं? जब बच्चे रोडों पर उतर आ रहे हैं उसके बाद आप एक्शन क्यों ले रहे हैं? आप क्या हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं कि मतलब कब तक हम रोड पर रुक पाएंगे? तब तक देखते हैं, उसके बाद तो टालते रहेंगे तब तक, फिर उसके बाद तो ये घर लौट ही जाएंगे। अब आप कब तक देखेंगे ऐसा? भाई हम लोग कब से 6 तारीख से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उस पर एक्शन नहीं। बस आज सीबीआई, कल सीबीआई एक्शन की बोली है, तो अब सीबीआई एक्शन का बोला है और पहले इतने पहले से क्यों नहीं बोला? आप इस काम को पहले भी तो कर सकते थे। आपने जब हमने सुप्रीम कोर्ट तक हमको जाना पड़ गया, आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया इस चीज पे कि हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही ना पड़ता ना? तो आपका क्या नाम है? आप काजल कुमारी। आपका कौन सा टर्म था? किस वर्ष? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इसमें मेरे 623 मार्क्स है। मेरी एक्सपेक्टेड रैंक 15,000 to 17,000 थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 56,000 आई है, और इस रैंक पे मुझे डेंटल भी नहीं मिलेगा। लास्ट अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? जैसा कि अब लोग पूछेंगे, सरकार के लोग बोलेंगे एजेंसी के, कि अब तो हमने सीबीआई इंक्वायरी भी लगा दी, पर यहाँ पे बात यह है कि कल भी हम लोग एक दो शो में गए थे, वहाँ पे बोल रहे थे वहाँ के प्रवक्ता कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब हम सीबीआई लगाएंगे, काउंसलिंग स्टे करेंगे। तो रातों रात आपको कौन सा सपना आ गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने सपने में आके आपको बोल दिया कि हम सीबीआई इंक्वायरी, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो हम रातों रात लगा रहे हैं। मतलब आपके हाथ में पावर है कि आप कोर्ट के बोलने से पहले भी आप काउंसलिंग स्टे कर सकते हैं, सीबीआई लगा सकते हैं। तो आप जब आपके हाथ में पावर है ये दिख गए, तब आप काउंसलिंग स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। सही बात। आप पेरेंट्स हैं क्या? तो आप कितने अटेम्प्ट बच्चा ने अभी दिया था और क्या उसका रिजल्ट रहा था? बच्चा तीसरा अटेम्प्ट दिया। बच्चा अब की बार ये कन्फर्म था कि भाई होना है, क्योंकि पिछली बार जो कटअप गया था 605 से 610 के बीच गया था, तो अब की बार सोचा था 5-10 नंबर ज़्यादा चला जाएगा, जो पीछे से आ रहा है 2020, 2021, 2022, 2023 हर टाइम का जो देखा गया है। ये पता नहीं था कि इतना बड़ा स्कैम भी हो सकता है और स्कैम में सरकारी संस्थाएं इन्वॉल्व होगी और ये पूरी प्री प्लानिंग थी। 4 तारीख को रिजल्ट आउट होना, पेपर लीक को इनको इग्नोर करना, ये सब क्या है? एक जगह से तो हुआ नहीं, कई जगह से पेपर लीक के मामले आए, 5-6 स्टेट्स हैं। तो आप सुन रहे थे, ये बच्चियां हैं जो अपने होप के साथ में अपने सपने को देख करके परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनके परीक्षा में जिस तरह के धांधली हुई उसके आरोप में उसको एनटीए आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे जो हैं धरना दे रहे हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, समर्थक हैं वो बैठे हैं और अपनी डिमांड को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो परीक्षा है, उनका जो साल है वो बर्बाद ना हो और अच्छे से उनका जो साल है वो यूटिलाइज हो, और जो पैसे खर्च अपने
माता पिता के किए हैं वो जो हैं बच्चों के एक अच्छे जगह पे लगे और उनका सपना पूरा हो पाए। कैमरा मैन अभिषेक चौरसिया के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.